देख सकते हैं दूसरा टनल, दूसरा काम चल रहा है। यह है कचौड़ी टनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रत्नर के विनायक। सुबह के बज चुके लगभग 5:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ मुंबई गोवा हाईवे से अपने गांव रत्नागिरी। चलो फिर आपको मिलता हूँ डायरेक्टली बाइक पे। भाई हम लोग अभी लगभग पनवेला से पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मेरा दूसरा पार्टनर आज मेरे साथ पिलियन राइडर मिलेगा मुझे यहाँ पे। आज अश्विनी अपने साथ नहीं है, मैं अकेला राइड कर रहा हूँ। ये है पनवेल, यहाँ से अभी मेरे पार्टनर को लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। हेलो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पलस के खाटा तक। अभी यहाँ से मुंबई गोवा हाईवे चालू हो जाएगा। और देखिए शुरुआत से ये रास्ते कैसे हैं, इस तरह के रास्ते हैं। यहाँ से कुछ काम हो चुका है रस्तों का। ऐसे रस्ते बने हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये लेवल पे नहीं है। चलो फिर मिलता हूँ आपको आगे।
निकल रहा है यहाँ पे, निकल लेन में आने का पानी का दोनों रास्ते आने के लिए जाने के लिए दूसरी रास्ते से जाने के लिए इनका काम चालू है अपने बड़े गड्ढे, क्या हालत है रोड की। मुंबई को आने के लिए ये रोड तो बिल्कुल ले नहीं सकते, इस तरह हालत है इस रोड की। मुंबई आने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, खराब है वर्तन से लेकर मानगांव तक का। चांद पे आए हैं हम, चांद पे। हमारा भारत चांद पे पहुंच गया है और हमारे यहाँ के कुंकल में ही चांद है। अभी ये डाइवर्जिंग सब चलता ही रहेगा। सामने के नजारे देखिए कितने खूबसूरत है। यह है कुंकन और ये कुंकन के रस्तों के हाल देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है आज। ये अभी दो दिन पे गणपति बाप्पा आने वाले हैं, इस वजह से पूरा ट्रैफिक है रोड पे। और इसके लिए आज हम लोग निकले जल्दी सैटरडे को ही। चलो फिर आपको आगे मिलता हूँ। देख सकते हैं किस तरह के रस्ते हैं। अगर आपको आपकी गाड़ी का सस्पेंशन चेक करने का है तो उसको लेके आने का सस्पेंशन चेक हो जाएगा। देखिए कितना कीचड़ है, क्या हाल है बच्चों की। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा पूरा कीचड़ अन्य के ऊपर आ चुका है। बाय। अभी हम लोगों ने इंदापुर क्रॉस किया और देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल लेन रोड है अभी भी और रस्ते में बहुत ट्रैफिक है, रस्ते भी खराब है।
बाय। हम लोग अभी मानगांव छोड़ दिया है कुछ और आगे आए हैं। मानगांव का सिंगल लेन है, और ये इसके आगे इस तरह के रहते हैं। आज इतना बारिश नहीं है, बीच बीच में इतना हल्का बारिश आ जाता है। देख सकते हैं आगे हुए काम आगे हुए है। रोड बनेंगे चलने में इतनी मजा आएगा। थोड़ा सा देखते हैं क्या काम हुआ नहीं है, और हम लोग थोड़ी थोड़ी ट्रेन हार्ड कहा था देख सकते अब किलोमीटर अपना पुराना कचड़ी है।
नया टनल, कचहरी का टनल खोल दिया है, अभी भी ले सकते हैं। काफी सारा काम यहाँ पर बाकी है, थोड़े से अपना 20-30 किलोमीटर कचहरी घाट बच गए। देखिए यहाँ के काम अब तक पूरे हुए नहीं है, आधे काम चल रहे हैं। खास गणपति के लिए ये टनल को ओपन किया है, अभी और टनल आएगा जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह है कचहरी टनल, आप देख सकते हैं। उसकी गोवा के तरफ जाने वाली लेन चालू हो चुकी है और फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉग में मिलेंगे खूबसूरत का झरना। ये देख सकते हैं दूसरा टनल, दूसरा काम चल रहा है। यह है कचहरी टनल, गणपति बप्पा आपके लिए टनल को खोल दिया हुआ है। और 12:28 को हम लोग अंदर आए हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखिए कितना खूबसूरत सा है ये टनल। कार गाड़ी आराम से जा सकते हैं, इतना चौड़ा है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस तरह से अभी अपना टनल खत्म होने आया और ये यहाँ से रस्ते रखे हैं, दूसरे टनल को जाके मिलते हैं। ये टनल के वजह से कचहरी घाट ठीक हो गया, यहाँ पे और भी काम चल रहे हैं। तो इस तरह से अपना कचहरी घाट ठीक हो गया और डायरेक्ट टनल से अपने को रास्ता मिल गया। ये अभी अपना पुराना रोड, पुराना कचहरी घाट, यहाँ से चालू होता है, वहाँ पे आके हम लोग अभी पहुँच गए। देखिए आगे देखिए अपन घूम गए, पेड़ का ये ब्रिज अब तक बना नहीं है, वैसे ही हालत है। ये एयर स्टेशन अभी आएगा, भोसले घाट मानगांव से लेकर आगे के रोड काफी अच्छे हैं,
ये है परशुराम घाट, देख सकते हैं यहाँ का काम कितना हुआ है। एक सिंगल लेन का काम हो चुका है, एक सिंगल लेन कंप्लीट हुई है। ये देख लीजिए, तो एक लेन का काम अभी बाकी है। और ये है नज़ारे, ये है इसके नीचे चिपलून, और ये सामने दिख रहा है ट्रेन का ट्रैक, और आगे एक सुरंग दिख रहा है वहाँ पे। ऐसे यहाँ से ट्रेन निकलती है नीचे से। ये पुराना रास्ता है नीचे का, जो भी अनयूज है, देख लीजिए क्लाइमेट व्यू क्लास। ये है हमारा कोंकण। बारिश में तो और ही खूबसूरत दिखता है। चलो फिर मिलता हूँ आपको आगे। हम लोग अभी सावरडे के आगे है, और देख सकते हैं यहाँ के रोड कंडीशन। बहुत अच्छा था, इसमें ये थोड़ा खराब पैच मिला है। एक लेन कंप्लीट हो चुकी है यार। हेलो गाइस, देख सकते हैं यहाँ का ये शास्त्री पुल चालू हो चुका है, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं संगमेश्वर। 3:20 हो चुके हैं। आज क्या है, रुक रुक क्या है, रमेश्वर तक अच्छे रोड है कोलार से लेकर रमेश्वर। इसके आगे का मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। हेलो गाइस, हम लोग अभी संगमेश्वर के आगे है, और यहाँ से लगभग आधा घंटे का सफर और बचा है, 30-40 किलोमीटर। और यहाँ पे पुराना ही रोड है, सिंगल लेन, और काफ़ी यहाँ पे काम चल रहे हैं। संगमेश्वर तक रोड अच्छा था कोलार से लेकर,
चलो फिर मिलता हूँ आगे और आगे के अपडेट देता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे सब काम चालू है। रोड है संगेश्वर के आगे है। हेलो भाई, देख सकते हैं हम लोग अभी आके पहुंच चुके हैं पाली में और देखिए यहाँ के हाल किस तरह के हैं। ये सेक्शन का कुछ काम हुआ नहीं है अब तक। अगर बारिश रहता तो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो जाता था। देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज होने वाला है। ब्रिज का भी कुछ काम चालू नहीं हुआ है। ये है मेरल घाट, देख सकते हैं इसका प्रोग्रेस इस तरह से हुआ है। हेलो गाइस, देख सकते हैं मैं अभी अपने घर पे पहुंच चुका हूँ और अभी बज चुके हैं 5 और मुझे पहुंचने के लिए लगभग 11-12 घंटे लगे। आज का ब्लॉग कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।